हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। हम लोग देख रहे थे खान सर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था KGS IAS की एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जो आपके आने वाले एग्जाम UPPSC RO ARO और UPPCS प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज थी। साथियों, इस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने बताया था कि इसमें दो टाइप के प्रश्न है। एक तो इसमें शुद्ध रूप से करंट अफेयर के प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि मैंने पहले पार्ट में इसको करवा दिया है। लगभग 55 से 60 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज जाकर हमारे यूपी आरओ एआरओ की प्लेलिस्ट पर इसको देखिए। बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न इसमें रखे गए हैं। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट में, पहली यही टेस्ट सीरीज है लेकिन इसके दूसरे पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं जीएस के प्रश्न। यानी साथियों, सारे के सारे जो जीएस के प्रश्न बने हैं वो मनमानी ढंग से नहीं बने हुए हैं। सब यही जो चीजें करंट वाले, करंट मुद्दों में थी, जो करंट में थी, समसामयिक घटनाओं में, वो ज्यादा से ज्यादा खबरों में थी, उन्हीं से जोड़कर जीएस के प्रश्न बनाया है। जैसे आजकल प्रश्न आने का जो ट्रेंड है, इसी से आते हैं। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग जो है, लगभग 100 प्रश्न है यहाँ जीएस के। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही विश्वसनीय संस्था साथियों, इसको आपको चूक नहीं होना है। और हमारे इस वीडियो को साथियों अपने साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि साथियों जो व्यू नहीं आता है, ज्यादा से ज्यादा लोग देखते नहीं है, तो एक अंदर मन में जो निरस्ता आ जाती है साथियों, काम करने में उतना जो है जोश नहीं रह जाता है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारा सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। हम बेहतरीन से बेहतरीन संस्थाओं का कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराएंगे हर हाल में। तो चले, अगर आपको इसका PDF चाहिए साथियों, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहां पर जाएंगे तो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैसेज कर देंगे तो फिर मिल जाएगा आपको। चले, हम लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो साथियों, हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 56 तक कर लिए थे, 55-56 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। बहुत बढ़िया साथियों, एक से बढ़कर एक प्रश्न है, बिल्कुल उसी तरीके से सेट किया है जिस तरीके से अब तक प्रश्न आए हैं, उन्हीं के बेस पर नए प्रश्न बनाए हैं करेंट अफेयर से जोड़ के। तो देखिए साथियों, एक तरफ हमको दर्रा दे दिया है, मैचिंग वाला सवाल है। मैचिंग वाले सवाल में हम लोग कम नॉलेज में उत्तर निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग, अगर जानकारी कम है तो भी हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये पहला है, दर्रा हमको दे दिया है। दूसरा है, वो दर्रा किस स्थान पर है ये हमें बताना है। तो साथियों, चले हम लोग देखते हैं, जो हमें सबसे ज्यादा क्लियर है सबसे पहले हम उसी को मिला दें। तो देखे यहाँ पर हम लोगों को साथियों, नीति दर्रा सबसे ज्यादा क्लियर है, तो मतलब जो हम कंफर्म होते हैं, यानी सबसे पहले हम उसी को मिलाए। तो नीति दर्रा साथियों, ये उत्तराखंड में है, हमको पता है ये। और रोहतांग दर्रा साथियों, हिमाचल प्रदेश में है, ये इससे मिल जाएगा। और ये बुमला दर्रा साथियों, अरुणाचल प्रदेश में। और चांगला दर्रा ये लद्दाख में है। ये तो आप लोग जान गए, चांगला दर्रा लद्दाख में है, श्योक नदी के घाटी के बीच वाला जो क्षेत्र है वही। तो इसका मतलब सब सीधे के सीधे मिले हुए हैं। तो विकल्प नंबर आपका 1, 2, 3, 4, ये उत्तर नंबर बी हो जाएगा, ये 57 का बी। इसी तरह से हम लोग चले देखें 58 वाले में भी मैचिंग वाला सवाल है साथियों, कह रहा हूं ना। जैसे आरओ एआरओ यूपी पीसीएम, जो ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं मैचिंग वाले, कौन सा सही नहीं है, यानी मिस मैचिंग वाले, या फिर आपको पूछ देगा कि कथन कारण वाले, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो चले हम लोग देखते हैं 58 के क्या पूछ रहे हैं हमसे। एक तरफ साथियों, हमको यहाँ पर जो है दर्रा दे दिया है, फिर दर्रा दे दिया है और कह रहा है ये दर्रा किस मार्ग को जोड़ता है, वो मार्ग बताना है। तो साथियों, हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग देखें, अगर इसमें देखेंगे तो पहला हमको दिया है शिपकिल्ला दर्रा। तो साथियों, ये जो शिपकिल्ला दर्रा होता है, यह हिमाचल प्रदेश में, इतना तो मालूम है, अभी आया था ये, तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश आजकल बहुत ज्यादा, खास करके हिमाचल प्रदेश का मंडी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। तो शिपकिल्ला दर्रा साथियों, ये जो है यह हिमाचल प्रदेश में है और तिब्बत को जोड़ता है ये। तो ये कहाँ से आ जाएगा, ये हिमाचल और तिब्बत को, यस, ये इससे जुड़ जाएगा। और साथियों, जो बारह लाचा दर्रा है, ये एक यहाँ पर सबसे ज्यादा, ये माना दर्रा का अगर देख लेते हैं, तो माना दर्रा भारत उत्तराखंड में, तो मालूम है यह तिब्बत और जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, ये तो यहाँ हो जाएगा, नाम से ही लग रहा है उत्तराखंड का है। और ये थांगला दर्रा है, यहाँ थांगला दर्रा साथियों, यह लेह और मनाली राजमार्ग को जोड़ता है, तो ये इससे आ जाएगा। और आपका बचा है एक, इसका तो यही रास्ता है, बारह लाचा मंडी और लेह। मंडी हिमाचल प्रदेश में, लेह लद्दाख में। आप लोग जानते हैं मंडी इस समय कितना ज्यादा चर्चा में, हिमाचल प्रदेश का क्यों चर्चा में है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, सब सीधे के सीधे इसमें भी मिले हुए हैं, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, 58 का बी हो जाएगा।
आगे चले हम लोग, देखते हैं 659 में क्या पूछा जा रहा है साथियों। बहुत ही गजब का सवाल, सोना पानी हिमनद, एक हिमनद है साथियों ग्लेशियर, इसका हम आपको इंग्लिश में भी दिखा दें। यहाँ पर क्या दिखा है, सोना पानी ग्लेशियर, तो कुछ जो है चीजें इंग्लिश में अगर रहती हैं कुछ टेक्निकल सब, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर सोना पानी ग्लेशियर से संबंधित आपको दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर आपको बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा सही है। बहुत बढ़िया साथियों, अब देखते हैं पहला जब हम पढ़ेंगे तो कह रहा है पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा हिमनद है। तो साथियों यस बिल्कुल सही, पीर पंजाल श्रेणी का ये सबसे बड़ा हिमनद है, ये बात तो इसकी बिल्कुल सही है। कह रहा है यह रुद्रप्रयाग में, साथियों रुद्रप्रयाग आपको मालूम है उत्तराखंड में है, लेकिन है साथियों यह जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, तो ये का मतलब तो ये गलत हो गया। अब इसका मतलब ये गलत हो गया, हिमाचल प्रदेश के लाहुल और स्पीति जिले में है ये, तो लाहुल में लिख दे रहा हूं, तो ये तो गलत हो गया आपका, इसका मतलब आपका उत्तर केवल ए होगा। तो नाम सही लग गया रुद्रप्रयाग, तो वहां उत्तराखंड में है और है ये जो है आपके यहाँ। तो आगे हम लोग चले 60 में, अगर हम लोग देखें 60 वाले में आपसे क्या पूछ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन संस्था का कंटेंट है साथियों, एक से पढ़कर बिल्कुल उसी तरीके से मैं कराऊ ना, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, आर ओ आर ओ का हो या यूपी पीसीएस का, उसी का छत्र छाया है समझ लीजिए। तो कौन सा भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट से संबंधित है, तो आप लोग भारत का पूर्वी, जैसे ये अगर आप लोग पढ़े होंगे, ये जो भारत का पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है, तो इसको अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे अच्छे से। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं पश्चिमी तट क्षेत्र का उत्तरी भाग कोंकण कहलाता है, यस साथियों महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का जो पश्चिमी तट है इसको कोंकण कहा जाता है, ये बात तो सही है। अब कह रहा है एन्नोर पश्चिमी तट का बंदरगाह, साथियों एन्नोर जो है ये तमिलनाडु के पास है, यह पूर्वी तट का बंदरगाह है, इधर है ये, तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई और हमसे पूछ रहा है सही बताना है, तो यानी जो उत्तर सही होगा उसमें दो नहीं रहना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए आप लोग। तो इसका मतलब जहां जहां दो है उसको उसको काट दीजिए, यहाँ दो बैठा है इसको काट दीजिए और यहाँ दो बैठा है डी वाले में इसको काट दीजिए। तो इसका मतलब जो आपका उत्तर होना चाहिए साथियों, जो आपका उत्तर होना चाहिए वो डी हो जाना चाहिए, क्योंकि साथियों यह सी वाला भी हमारा सही है, उत्तरी सरकार महानदियों कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर पूर्वी की बात कर रहा है, पूर्वी तटीय क्षेत्र का विकास नदी डेल्टाओं कारण हुआ है, तो ये सब सही है, केवल दूसरा गलत है। तो इसका मतलब जहां अगर आपको नहीं आता है तो दूसरा वाला इमिनेट कर देंगे, फिर भी उत्तर निकल आएगा, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा 1, 3 और 4। आगे चले हम लोग अगर देखें 61 में, बहुत ही एक एक से बढ़कर सवाल है साथियों मैचिंग वाले, और मैचिंग वाले सवाल इतने मजेदार होते हैं कि एक दो भी फैक्ट आप लोग जानते रहेंगे तो आप उत्तर को निकाल ले जाएंगे बड़े आसानी से। एक तरफ हाथी अभ्यारण आपको दे दिया है और दूसरी तरफ वो संबंधित राज्य, कौन सा हाथी अभ्यारण किस राज्य में है वो बताना है। तो आप लोग को साथियों जो सबसे ज्यादा क्लियर है वही बता दीजिए, पूर्वी द्वार हाथी अभ्यारण जो है यह पश्चिम बंगाल में है, नाम पश्चिम में है लेकिन पूर्वी रखा गया, पूर्वी द्वार कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, और ये सोनितपुर कहाँ है, असम में है साथियों, यह असम में है सोनितपुर, और इंटकी कहाँ है, यहाँ पर इंटकी दे दिया है साथियों, इंटकी नागालैंड में है और कामेंग हाथी अभ्यारण अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका उत्तर कौन सा सेट बन रहा है, ए वाला 2 पर जाएगा, बी वाला 4 पर जाएगा, ए वाला 2 पर, बी वाला 4 पर और डी वाला 3 पर। तो इसका मतलब आपका उत्तर ये डी वाला हो जा रहा है, 61 का डी, बहुत अच्छा। आगे हम लोग देखते हैं 62 में साथियों हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, 62 वाले में एक तरफ साथियों हम लोगों को जनजाति दे दिया है और दूसरी तरफ हमको संबंधित राज्य दे दिया है, कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में पाई जाती है, किस राज्य में निवास करती है उसको बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो थारू जनजाति है यह उत्तरा, यह मुख्य रूप से तो उत्तराखंड में पाई जाती है, हल्की फुल्की जो यूपी से सटा हुआ, जो उत्तराखंड से सटा हुआ वहां पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से यह उत्तराखंड में पाई जाती है। आप लोग जानते हैं यह दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, और खरवार जो है साथियों यह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, वो भी उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग में नहीं, जो पूर्वांचल एरिया है बलिया देवरिया गाजीपुर बनारस इत्यादि एरिया में, तो यहाँ पाई जाती है। और एक यहाँ मांगड़ियार ये पाई जाती है साथियों, राजस्थान के जो जो रेतीला एरिया है, खास करके जो रेगिस्तानी एरिया वहां पर, और गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में
ये है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा उत्तर होना चाहिए? ए वाला 1 पर और बी वाला 3 पर। ए वाला 1 पर, बी वाला 3 पर, सी वाला 4 पर। तो ये आपका उत्तर ए होगा, 62 का ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग 63 का देख लेते हैं। साथियों गजब गजब के सवाल हैं, एक से बढ़कर एक सवाल है आपके पास। यहाँ सहायक नदी कुछ दे दिया है और एक तरफ मुख्य नदी दिया है। किस मुख्य नदी का कौन सी सहायक नदी है उसे बताकर, और यहाँ जो हमारा सेट दिया गया है इसी में बता देना है, हाँ यही वाला सेट होगा। तो साथियों आंख मूंद कर हम लोग जानते हैं बचपन से, क्या मतलब बचपन से नहीं, जब से हमने सब चीजों को पढ़ना सीखे होंगे तो जान गए होंगे कि यमुना नदी की सहायक नदी जो है साथियों वो चंबल है। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा होना चाहिए उत्तर, तो यमुना नदी का सहायक नदी यहाँ पर कौन हो जाएगा साथियों? चंबल। चंबल बहुत ही फेमस है, 12वीं फेल जो मूवी बनी है एक IPS IAS की, तो वही वो चंबल के ही थे। तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। और इंद्रावती जो साथियों है यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी हो गई। और बराक नदी जो साथियों यहाँ पर है, बराकर, बराकर नदी जो है साथियों ये कहाँ की है? बराकर नदी यहाँ पर साथियों ये दामोदर की होनी चाहिए, यहाँ पर ये हो जाएगा। और बचा आपका एक महानंदा, यह गंगा की सहायक नदी है। इसका मतलब ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर और सी वाला आपका चला आएगा 1 पर। तो इसका मतलब आपका उत्तर डी होना चाहिए, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। 63 का आपका उत्तर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं 64 वाले में। अब 64 में क्या कह रहे हैं साथियों? 64 में जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, महासागरी लवणता के संदर्भ में, महासागर में जो लवणता आता है उसके संदर्भ में, लवणता मतलब नमक, तो वो उसके संदर्भ में दिया है। दो कथन दिए हैं, दोनों को पढ़कर हमें सही उत्तर दे देना है। अब सही उत्तर देने के लिए हमें सही से पढ़ना पड़ेगा साथियों। एक चीज हमारी बात याद रखना, आप गांठ बांध के कहीं लिख लेना, बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं आप इसलिए नहीं दे पाते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। इसलिए मैं प्रश्नों, उत्तर बताने से ज्यादा मैं प्रश्नों को तोड़ने पर ज्यादा ध्यान देता हूं कि प्रश्न को आप अगर बिखेर तोड़ना जान गए, प्रश्न को समझ गए, आपको उत्तर अगर नहीं मालूम है फिर भी आप दे सकते हैं उत्तर। तो इतना आप पढ़ लिए हैं, आप इतना सारी चीजों को पढ़े हैं, आपके पास इतनी सूचनाएं हैं, तो आप कहीं कहीं दे लेंगे, बशर्ते आपको बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका आपको उत्तर नहीं समझ में, प्रश्न नहीं समझ में आता, इसलिए आप उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो महासागरीय लवणता के संदर्भ में एक बात ये जो लिखी है, पहली पहली अगर पढ़ेंगे तो कह रहा है उच्च अक्षांश अवस्थिति के कारण उत्तर सागर में लवणता कम है। तो साथियों उच्च अक्षांश में ये इसलिए दे रहा है, उच्च अक्षांश जैसे साथियों ये पृथ्वी हो गई, अब ये विषुवत रेखा हो गई, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये उच्च अक्षांश हो जाता है, विषुवत रेखा से जैसे दूर जाएंगे तो उसको उच्च अक्षांश बोला जाता है। तो उच्च अक्षांश में साथियों कह रहा है अवस्थी कारण उत्तर सागर में लवणता कम है। तो उत्तर सागर साथियों उच्च लवणता मतलब लवणता कम होनी चाहिए, लेकिन साथियों कम नहीं होती, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वहां अटलांटिक महासागर से वहां पानी आता है, अटलांटिक महासागर पानी खारा होता है, इसलिए उसकी लवणता कम नहीं बल्कि अधिक हो जाती है। तो अधिक हो जाती है यहाँ पर, तो ये आपको बहकाने के लिए दिया था, तो ये गलत हो गया। बाल्टिक सागर की कम लवणता नदी के जल प्रवाह के कारण होता है। यह साथियों बाल्टिक सागर जो है उसकी लवणता कम है। क्यों कम है? ज्यादा होनी चाहिए लेकिन कम क्यों है? तो वहां पर बहुत सी नदियां आकर अपना फ्रेश वाटर डाल देती हैं, इसलिए कम होता है। जैसे आप 1 गिलास में 2 चम्मच नमक घोल दिए, एक आधा लोटा पानी है और उसी में 2 चम्मच नमक डाल दिए, और कोई आया जो है आधी बाल्टी फ्रेश पानी डाल दिया, तो इसका मतलब नमक का असर तो खत्म हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, वही बात है। तो विकल्प यहाँ 2 सही है केवल, तो इसका मतलब जो है आपका, सॉरी पूछ रहा है यहाँ गलत कौन है, सॉरी, तो गलत हमें दूसरा वाला तो सही हो गया, पहला वाला गलत है ना, तो इसका मतलब सी हो जाएगा, केवल एक गलत है। तो यहां हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। आगे देखें हम लोग 65 में। 65 में साथियों हमसे क्या पूछा जा रहा है यहां पर देखें हम लोग। तो 65 वाले में जो हमसे पूछ रहे हैं, जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002 जो 2002 में आया था, इसके तहत किस झील को देश में पहला जैव विविधता विरासत स्थल नामित किया गया था? तो साथियों यह अमीनपुर झील जो है, इसको जो है यह जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत
जो है भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो विकल्प नंबर ये आपका सी हो जाएगा, यह जो है अमीनपुर झील। यह कहाँ है साथियों? तेलंगाना में है, तेलंगाना, तेलंगाना में है ये। आगे चले हम लोग देखें, और ये विश्व विरासत में कैसे घोषित किया जाता है, क्योंकि साथियों जो झील जो है, जैसे जो स्थल जो है तमाम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से उनके समृद्ध है, उनकी विविधता बहुत अधिक है, तो विविधता के आधार पर इनको जैव विविधता विरासत स्थल में नामित किया जाता है। आगे देखें हम लोग 66 में, तो 66 में जो साथियों आपसे पूछ रहे हैं, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन। साथियों बहुत ही गजब का सवाल है, इसका मैं इंग्लिश पहले आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है साथियों? हैप्स, इसे इंग्लिश में ज्यादातर शॉर्ट कट बोला जाता है, जिसे हार्मफुल एल्गल ब्लूम। तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम जो होता है साथियों, इसी के संदर्भ में आपको दो कथन दिया है, इसी को पढ़कर, ये हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन के संदर्भ में इसको पढ़कर, और दोनों कथनों को पढ़ लेना है और हमें सही उत्तर दे देना है। तो पहला साथियों जो कह रहा है, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन गैर विषैले शैवाल या फाइटोप्लैंकटन के तीव्र गुणन के कारण होता है। यस साथियों, तीव्र गुणन के कारण होता है, फाइटोप्लैंकटन के तीव्र गुणन के कारण होता है, लेकिन यह विषैले शैवाल के कारण होता है, या लिख दिया गैर विषैले, जबकि यहाँ विषैला लिखा भी है, आपको धोखा देने के लिए यहाँ गैर जोड़ दिया, इसलिए गलत हो गया ये। तो ये आपका गलत हो गया, यहाँ गैर नहीं रहना चाहिए था, गैर का मतलब नॉन, तो इसका मतलब साथियों विषैला होता है, विषैले शैवाल जो होते हैं उनके तीव्र गुणन के कारण ये होता है प्रस्फुटन। जिसका मतलब ये होता क्या है साथियों, आप लोग जान लीजिए, ये प्रस्फुटन जो होता है इससे होता क्या है कि जिससे पानी है कोई, तो उस पानी में तमाम प्रकार के जो है ऑक्सीजन के उपयोग करके जो है कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह के कारण वो पानी जो है तमाम वहां पर जो है मतलब एक तरह से जली पौधे उग जाते हैं, तो पानी को जो है कर देते हैं बहुत ज्यादा, और जहाँ के जीव जंतु होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, ये गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन से विषाक्त पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं। यस बिल्कुल उत्पन्न होते हैं, अभी मैंने यही बताया ना कि विषैले हैं, तो इसलिए विषाक्त जो विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं, और जो वहां के जलीय जीव होते हैं जैसे मछलियां, पक्षियां, समुद्री स्तनधारी, मनुष्यों, उनको प्रभावित करता है। तो दूसरा ये सही है, पहला गलत हो जाए, तो आपका उत्तर केवल बी हो जाएगा, 66 का बी। बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं अगर 67 का, तो इसमें साथियों दुनिया के सबसे बड़े जीवित सागौन पेड़, पेड़ों में से दुनिया के सबसे बड़ा जीवित सागौन पेड़ों में से कौन सा ऐसा पेड़ है साथियों जो लगभग 400 साल पुराना माना जाता है, और इसे भारत सरकार द्वारा महावृक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पेड़ को पुरस्कारित किया गया है साथियों, तो वो कन्नीमारा सागौन। तो सागौन का साथियों पेड़ है, इसका नाम साथियों रखा गया है, कौन सा पेड़ है ये? कन्नीमारा सागौन, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 400 साल पुराना है, सरकार ने महावृक्ष पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है, तो यह दुनिया के सबसे बड़े जीवित सागौन में से एक है, प्रभावशाली। और साथियों इसको अगर देखेंगे, जैसे ये पेड़ हो गया ना, या इसे मान लीजिए पेड़ हो गया, तो और इसकी जो यहाँ पर जो लकड़ी का आप बाहर से अगर फीता लेकर नापेंगे तो लगभग 7 मीटर, 7 मीटर इसका व्यास होता है, मतलब व्यास नहीं कह सकते, परिधि कह सकते हैं आप, चारों ओर से अगर इसको नापेंगे इस पेड़ के खड़ा होकर, 7 मीटर इसकी परिधि है, और लगभग लगभग 50 मीटर इसकी लंबाई है, इसकी लेंथ जो है 50 मीटर है। इन दोनों बातों को याद रखिए, रहेगा बहुत ही बढ़िया है। तो आगे चले हम लोग अब, और आदिवासी मान्यताओं में इसका बहुत बड़ा महत्व है, आगे देखें हम लोग, भारत में सबसे बड़ी क्या कह रहे हैं, भारत में सबसे बड़ी तैरती उपचारित आर्द्रभूमि कौन सी है? बहुत गजब का सवाल साथियों, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तैरती उपचारित आर्द्रभूमि, यहाँ इसके लिए इसका तैरती उपचारित आर्द्रभूमि नाम रखा गया, पहले तो आप इसका उत्तर जान लेंगे तो इसको लिए आसानी रहेगा। इसका उत्तर होने का साथियों यह नेकनामपुर झील, यानी सबसे बड़ी तैरती उपचारित आर्द्रभूमि कौन सी है? नेकनामपुर झील, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। यह कहाँ है साथियों? यह हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। और ये क्यों इसको कहा गया कि भारत में सबसे बड़ी तैरती उपचारी झील है, तैरती मतलब फ्लोटिंग, इसका मतलब साथियों यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये यहाँ बहुत से जो जलीय पौधे हैं
वो हाइड्रोपोनिक्स के सिद्धांत पर उगे हैं। हाइड्रोपोनिक्स आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, कि जो बिना मिट्टी के उगता है, यानी इस पौधे इस जो झील में जो कुछ पौधे हैं वो बिना मिट्टी के सहारा से वो उगे हुए हैं। हाइड्रोपोनिक सिद्धांत पर आजकल बहुत से देश बहुत काम कर रहे हैं, कि क्योंकि अब धीरे धीरे जमीन कम हो रही है खेती, तो लोग अपने छतों पर पानी इकट्ठा करके टैंक टाइप का बना के 1-2 फीट में, और वहां पर जो है खेती के साग सब्जी लगभग उगा सकते हैं, हल्के पौधे वाले, भारी पेड़ वाले नहीं। तो यही हाइड्रोपोनिक्स होती है, बिना मिट्टी के वो केवल पानी में उगते हैं, इसलिए हाइड्रो मतलब पानी ही होता है पोनिक्स। तो यही है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। 69 देखते हैं, मैंग्रोव द्वारा प्रदर्शित प्रजनन की विधि क्या है। बहुत गजब का सवाल, मैंग्रोव के संदर्भ में आप लोगों को ये खूब पढ़ाया गया होगा, जो आप लोग जो है जियोग्राफी पढ़े होंगे। तो मैंग्रोव एक ऐसा पौधा होता है साथियों, आप लोग जानते हैं, या तटीय एरिया में, दलदली एरिया में उगता है, खारे पानी में उगता है। इसमें पत्तियां और छाल में ऐसी बनावट होती है इस मैंग्रोव को, कि ये अपने अंदर जो नमक आता है पानी के माध्यम से उसको उड़ा देता है नमक को। और साथियों आप लोग जानते हैं दलदली में उगता है, तो ये कैसे उगता होगा, जैसे हम लोग अपने यहाँ आम उम खाकर, जामुन आम इमली खाकर फेंक देते हैं, और उसका बीज कहीं जो है मिट्टी में हल्का सा नमी पाया, अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। लेकिन यहाँ तो साथियों दलदली है, यहाँ का अगर मैंग्रोव के बीज ऐसे गिर जाए और वो जो है अंकुरित होगा नहीं, क्योंकि वो दलदल में चला गया, सड़ जाएगा। इसलिए मैंग्रोव के जो बीज होते हैं या वो पेड़ में रहता है तभी अंकुरित हो जाता है, और अंकुरित होकर नीचे गिरता है तो वो सीधा सीधा बढ़ने लगता है, इस सिद्धांत पर काम करता है। यही ये कहना चाह रहा है, मैंग्रोव द्वारा प्रदर्शित प्रजनन विधि क्या है। तो साथियों यहाँ पर जो आपको उत्तर होगा, जीवंतता, यानी इसका जो है अंकुरण पेड़ में से ही होता है, और पेड़ से गिरता है दलदल में और वो बढ़ना शुरू करता है, सड़ नहीं पाया। अगर वहां अंकुरित नहीं होगा तो नीचे दलदल में गिरने के बाद अंकुरित नहीं होगा, सड़ जाएगा। तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है हर चीज को, जैसे रेगिस्तानी में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों को बहुत अंदर तक जाती है पानी की खोज में, नहीं पानी खोज करेंगे तो सूख जाएंगे, तो इसलिए प्रकृति ने सबको बैलेंस तरीके से बनाया है। 70 वाला देखते हैं हम लोग, विश्व की सबसे बड़ी ठंडे जल की प्रवाल भित्ति कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति नहीं पूछ रहा है, और प्रवाल भित्ति का मतलब यहाँ पर ये जान लीजिए, प्रवाल भित्ति जो प्रवाल होते हैं जो अपना खोल को त्याग देते हैं, तो उनके खोल से एक तरह की दीवार तटों पर आकर बन जाती है, उसे ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है। जैसे हम लोग के दादा दादी थे वो दीवार को भित्ति बोलते थे, तो वही है। तो प्रवालों के कारण जो भित्ति बन जाती है वो प्रवाल भित्ति है। तो ये कौन सा सबसे ठंडे जल की प्रवाल भित्ति है, तो साथियों रोस्ट रीफ, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपके 70 का। रोस्ट रीफ कहाँ है, ये नॉर्वे में है, ये नॉर्वे में। तो विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, रोस्ट रीफ। आगे देखें हम लोग 71 में, तो 71 में साथियों हमसे ये कथन वाले सवाल हैं, तो इनको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें। तो देखें हम लोग, भारत में लैटराइट मृदा, बहुत ही गजब का सवाल, मृदा से संबंधित सवाल जरूर पूछा जाता है। भारत में मृदा से लैटराइट मृदा आप लोग जानते हैं देखने में लाल होती है, क्यों लाल होती है साथियों, तेल में जो है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है इसलिए लाल होती है। तो लैटराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत को बताना है। तो आप लोग जानते हैं लैटराइट मृदा में हाई फाई वर्षा जहां होती है और हाई फाई टेम्परेचर वाले होते हैं, वहीं पर ये लैटराइट मृदा पाई जाती है। तो विकल्प नंबर ये गलत दे दिया, कह रहा है मध्यम वर्षा कम तापमान, तो गलत, तापमान अधिक होना चाहिए और वर्षा भी अधिक होनी चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया। और हमसे पूछा है सही, इसका मतलब जहां एक होगा उसे काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको सी वाले डी वाले काट दीजिए, तो आपका उत्तर ये जो है केवल जो है सी होना चाहिए। तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये फिर मैं धोखा खा गया आपसे, यहाँ गलत पूछा है, गलत को पहचानना है पहले, यानी गलत कथन को पहचान कर गलत के सेंस में सही उत्तर देना है, यानी आपको जो कथन गलत होगा उसी के सेंस में सही बताना है। तो पहला यहाँ पर सीधी सी बात, ये पहला वाला गलत हो गया, और इसमें दूसरी बात तो मैंने यही बताया, इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा होती है और कार्बनिक मात्रा कम होती है, ये बात सही है। लेटराइट मृदा पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्यों में हिस्सों में पाई जाती है, यस 2-3 तो सही है, केवल एक गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर साथियों जो 71 में हमारा जो उत्तर होना चाहिए वो केवल एक होगा उत्तर, यहाँ मैंने इसको काट दिया है, तो आपका उत्तर यहाँ जो होना चाहिए ये केवल एक होगा, केवल एक गलत है, क्योंकि 2 और 3 तो सही है अपनी जगह पर,
अपनी जगह पे सही है ना, लेकिन क्वेश्चन में गलत की डिमांड किया तो गलत ए होगा, केवल ए। आगे बढ़े हम लोग, इसलिए जरूर आप लोग ध्यान दिया करिए। आगे देखें हम लोग क्या है यहाँ, एक तटीय प्रबंधन कार्यक्रम यानी तटों को जो है मैनेज करने में, तटों को स्वस्थ रखने में, तटों की साफ सफाई, वहां पर किसी प्रकार की जो है मतलब वहां के जलीय जीवों की समस्या न हो, उसके लिए कुछ कार्यक्रम बनाए गए, और कार्यक्रम कब बनाए गए इसके बारे में हमें बताना है। तो साथियों यहाँ जो दिया है पहला वाला, तटीय महासागरी निगरानी, ये तटीय महासागर निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली, तो ये वाला जो दिया है साथियों इसका जो हमें उत्तर होना चाहिए ये वाला जाएगा साथियों 1998-91 में नहीं, ये 1995 में होना चाहिए। तो ये इसको तो अभी हम छोड़ देते हैं, देखते हैं क्लियर है कि नहीं। और एकीकृत तटीय और प्रबंधन क्षेत्र, यस साथियों ये तो हमें क्लियर है, ये तो है 98 में आई थी ये, इसका मतलब सी वाला 2 पर रहना चाहिए, तो सी वाला 3 में 2 है। और आगे अगर हम लोग देखते हैं और कौन सा हमें क्लियर है, ये जो ये वाला है तटीय क्षेत्र में भूमि महासागर की अंतःक्रियाएं, ये 1995 में आया था, तो बी वाला 1 पर होना चाहिए और सी वाला 2 पर, तो इसका मतलब उत्तर ए हो जाएगा। यस, 2 जानकारी में हमें उत्तर मिल गया, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अब हम पा गए कि ए वाला हमारा 3 पर जाएगा 91 में, और बचा एक हमारा है जो है, एक हमारा और जो बचा है यहाँ पर जो डी वाला 4 पर चला जाएगा। यस, एकीकृत तटीय प्रबंधन सोसाइटी 2010 में, यही जाना ही है, इसका रास्ता यही है। तो हमारा जो है उत्तर जो है यही ए हो जाएगा, 72 का ए। आगे हम लोग देखें 73 में, 73 वाले में साथियों एक तरफ हमें प्रदूषक दिया है, सूची एक में कुछ प्रदूषक है, दूसरा में कुछ स्रोत है, कौन सा प्रदूषक किस स्रोत से होता है ये हमें बताना है। तो साथियों हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कहाँ से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड साथियों ये जीवाश्म ईंधन जो जलाई जाते हैं, जो जीवाश्म ईंधन जलाई जाती है वहां से होती है। तो साथियों ये वाला जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ये हमें सबसे अच्छा से क्लियर है। और एक चीज आपको और पता होना चाहिए साथियों, ओजोन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे हम लोग सीएफसी कहते हैं, ये वाला, इसको भी हम लोग जानते हैं, ये जो आपका एसी फ्रिज होता है इन सब में यूज होता है, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है, तो ये रेफ्रिजरेटर स्प्रे जेट ये सब जो होते हैं इससे हो जाते हैं, तो डी वाला 2 पर चला जाएगा। ओजोन साथियों ये जो स्मॉग दे दिया है, स्मॉग आप लोग जानते हैं जो दिल्ली वगैरह में ठंडों में फैलता है, उद्योग और वाहन प्रदूषण के कारण, और ओजोन ऑटोमोबाइल्स के कारण फैलता है, तो ये हो जाएगा साथियों आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला तो 3 पर गया, ए वाला 3 पर जाएगा, बी वाला 4 पर जाएगा और सी वाला 1 पर जाएगा, ये होगा उत्तर हमारा, डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग 74 में। ऑप्शन आप लोग साथियों ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो कई सारी चीजें मिलती जुलती रहेंगी तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि कई बार मैं धोखा खाया हूं। तो क्या है 74 में, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत में जंतु वर्गीकरण पर प्रमुख संस्थान कौन है। तो जंतु वर्गीकरण में साथियों प्रमुख संस्थान कौन है जो कंट्रोल होती है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, तो इसका प्रमुख जो है संस्थान कौन सा है, ये काम कौन करता है साथियों, तो ये काम आपका करता है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। इंग्लिश में आप लोग इसे देखेंगे तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विकल्प नंबर सी है। आगे देख ले हम लोग 75 में साथियों जो हमसे बात पूछी जा रही है, ऑक्सीजन का उपयोग करके यानी ऑक्सीजन का यूज करके सूक्ष्म जीव यानी ये बैक्टीरिया हो गए ये सब हो गए सूक्ष्म जीव द्वारा जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो साथियों बहुत ही लाजवाब बहुत ही सिंपल सा सवाल, हम लोग देखते हैं कहीं कहीं पानी सड़ जाता है, बदबू आती है, तो हम लोग कहते हैं पानी सड़ गया है, तो पानी सड़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसी पानी का उपयोग करके कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं उसी पानी के ऑक्सीजन का उपयोग करके और जो जल में कार्बनिक पदार्थ होता है वो उसके अपघटन की प्रक्रिया करते हैं, इसलिए पानी में ये उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, इसलिए उसमें जो है गंध आती है जिसे हम लोग कहते हैं सड़नशील,
विकल्प नंबर सी हो जाएगा। सड़नशील इंग्लिश देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, प्यूट्रेसबिलिटी, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा ये वाला आपका सड़नशील। आगे देखें हम लोग 76 में, 76 में जो हमसे पूछा जा रहा है साथियों ये क्या है, पदार्थ की वह स्थिति, पदार्थ की स्थिति के संदर्भ में आपको पदार्थ की स्थिति दिया है, उसके संदर्भ में दो बातें बताई गई हैं, तीन बातें, तो उससे संबंधित कौन सा उत्तर सही है बताना है। बहुत गजब का सवाल, आपने साइंस में पढ़ा होगा ये चीजें जो है केमिस्ट्री में, तो आप लोग को यहाँ दिखा होगा गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। यस साथियों बिल्कुल सही बात है, गैस के कण आप लोग देखे बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि, और जो है ये तो बात सही है। प्लाज्मा में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण, प्लाज्मा जो होते हैं साथियों आप लोग देखे होंगे उसमें बहुत एनर्जी होती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं वो, ये भी बात सही है। और कह रहा है बोस आइंस्टीन, संघनन अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को गर्म करके बनाया जाता है, तो साथियों नहीं, तो गर्म करके नहीं बनाया जाता है, अत्यंत जो है मतलब जीरो केल्विन पर बनाया जाता है, परम शून्य ताप का मतलब होता है जीरो केल्विन, और जीरो केल्विन का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ऐसा टेम्परेचर है इससे कम टेम्परेचर किसी बॉडी का नहीं हो सकता है। अधिकतम तो कोई तय नहीं होता किसी बॉडी का टेम्परेचर अधिकतम कितना हो जाएगा, वो अभी तक तय नहीं है, लेकिन न्यूनतम जो हो सकता है -273.15 इतना हो सकता है, इसी को जीरो केल्विन बोलते हैं। तो जीरो केल्विन पर ये बनाया जाता है, इसका मतलब गर्म नहीं है, ठंडा कर बनाया जाता है, तो ये गलत हो गया, तो उत्तर आपका सी होना चाहिए, एक और दो केवल सही हैं। तो कौन सा सही पूछा है, तो एक और दो सही हैं, बहुत अच्छा। आगे हम लोग देखते हैं अब 77 में, देख लें क्या पूछ रहे हैं 77 में, कौन सी घटना बढ़ते तापमान पर बढ़ेगी, चार घटनाएं दी गई हैं, ऐसी कौन सी घटना है जिसको हम टेम्परेचर देंगे तो और बढ़ेगी, वो घटना और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो विसरण, विसरण मतलब होता है फैलना, जैसे बर्फ होती है, बर्फ को हम टेम्परेचर देंगे तो उसमें जो मॉलिक्यूल है फैलने लगेंगे, वो जो है एक तरह से पिघलने लगेगी, तो ये बात सही है, हम ये ताप बढ़ाने पर ये विसरण बढ़ेगा। वाष्पीकरण, हम पानी रखे हैं साथियों तो पानी को हम टेम्परेचर देंगे जितना उतना ज्यादा पानी का वाष्पीकरण होगा, ये भी बात सही है। और गैसों का संपीड़न, साथियों गैस का संपीड़न क्या होगा, गैसों का संपीड़न जो है अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे तो गैसों का और संपीड़न नहीं होगा, गैस और फैलने लगेगी, ऐसा है ये। अगर पिस्टन वाली बात होती, हाँ कोई चीज गैस अगर पिस्टन में भरी है और हम पिस्टन को टेम्परेचर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, पिस्टन दबा रही है तो गैस कंप्रेस हो रही, तो ऐसा बात नहीं है, यहाँ पूछा है गैसों का संपीड़न, तो हम लोग अगर टेम्परेचर देंगे गैस जो है और फैलेगा, संपीड़ कंप्रेस नहीं होगी, तो ये बात गलत हो गई, ये फैलेगी नहीं, और ये गैस का विस्तार, विस्तार होगा जी, अगर कोई गैस है हम उससे टेम्परेचर देंगे तो उसका और फैलेगी वो गैस, तो इसका मतलब उत्तर आपका 1, 2, 4 होना चाहिए, तो 1, 2, 4 आपका यहाँ नीचे दिया हुआ है 1, 2, 4, तो वही आपका उत्तर होगा, तो यहाँ 1, 2, 4 की जगह पर तो 1, 3, 4 दे दिया है, तो उत्तर आपका सी होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ लोग डी लगा देंगे लेकिन डी एकदम सही नहीं होगा। आगे देखें हम लोग 78 में, निम्नलिखित में से कौन सी पायस्की गैस के द्रव में परिवर्तित करने के लिए सबसे अनुकूल है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे अनुकूल है। साथियों इसका गजब का उदाहरण मैं आपको बताता हूं, अभी ठंड आने वाली है, आप लोग बाहर देख लेना कि आपका वायुदाब ज्यादा हो, क्योंकि ठंड में वायुदाब ज्यादा होती है गर्मी की तुलना में, वायुदाब यानी एयर प्रेशर बहुत ज्यादा हो, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होती है, एयर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और तापमान बहुत कम, क्योंकि ठंडी में तापमान कम होता है, इसलिए आपका जो ओस पड़ती है वो इसी का नतीजा है। ओस क्या होता है, गैस यानी जो जलवाष्प होता है वह द्रव में बदल जाती है, यानी जो पेड़ पौधों पर जलवाष्प लगी हुई जो हमें दिखाई नहीं देती, ठंड में दाब अधिक होता है और उच्च दाब होता है और तापमान निम्न होता है, तो वही जो जलवाष्प है वही पानी बदल जाती है, वही पत्तों को भिगो देती है, हम लोग ओस उसी कहते हैं, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा यही आपका, उच्च दबाव और निम्न तापमान। आगे देख ले हम लोग 79 में, गजब का सवाल, कथन कारण वाले ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, कथन और कारण वाले, तो कह रहा है नेप्थलीन, नेप्थलीन के संदर्भ, नेप्थलीन की गोलियां
समय के साथ बिना कोई तरल पदार्थ छोड़े गायब हो जाती हैं, यानी खत्म हो जाती हैं। यस साथियों, बिल्कुल सही, नेफ्थलीन की गोलियां आप लोगों के घर में आई होगी, कभी बच्चे उनको यूज न कर पाए, जहर होती है। जो घर में जो तमाम कीट पतंगे होते हैं, कॉकरोच होता है, जो कपड़े वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं, तमाम खाना वगैरह में चले जाते हैं, उनको जो है भगाने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां रख दी जाती है, या बहुत ज्यादा बदबू देती है, सफेद कलर की ठोस पदार्थ होती है। तो ये बात सही है कथन। और कह रहा है नेफ्थलीन कमरे के तापमान पर ऊर्ध्वपतन से गुजरता है। ऊर्ध्वपतन का मतलब ये होता है साथियों, कोई पदार्थ ठोस है और बिना लिक्विड में बदले वो गैस में बदल जाए। जैसे कपूर होता है, कपूर हम जलाएं तो लिक्विड में नहीं बदलता है, सीधा गैस में बदलकर खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल कपूर की तरह नेफ्थलीन भी होता है। तो यही है, तो विकल्प नंबर आपका जो है दोनों सही हैं, और ये इसका कारण भी स्पष्ट कर रहा है। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, सही व्याख्या कर रहा है 79 का, ए हो जाएगा उत्तर। आगे देख ले हम लोग 80 का। अब देखें साथियों, यहाँ एकदम सिंपल सा सवाल बच्चों वाला दे दिया है, वाष्पीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो साथियों यहाँ पर देखेंगे कि एक कथन दिया, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के स्थान पर बढ़ता है। यस, यही सही होगा, आपका समय बचाने के लिए मैं बता दिया। और यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको आप प्रयोग कैसे करोगे, आप बाहर जो है एक पाव पानी एक गिलास में रख देना, ऐसे एक गिलास समझ लीजिए है, और एक पाव पानी अपनी थाली में रख देना धूप में, और देखना किसका वाइपराइजेशन ज्यादा होता है, यानी कौन सा जल्दी से खत्म होता है। तो आप लोग देखेंगे थाली वाला जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसके ज्यादा एरिया पर जो है टेम्परेचर लगेगा, और ये ज्यादा एरिया से वाइपराइज होगा, ये पानी इसका एक पाव जो है खत्म जल्दी से हो जाएगा, गिलास वाला नहीं खत्म होगा जल्दी से। तो यही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वो उतना वाइपराइजेशन उसका ज्यादा होगा। तो यही सही है, और बाकी ये सब यहाँ गलत दे दिया, केवल द्रव की सतह के नीचे होता है, ये सब गलत है, आपका सी डी वाला सत्य है। आप लोग 81 देख लीजिए, प्रक्रिया एक तरफ दे दिया है, प्रक्रिया दे दिया है, और एक तरफ उदाहरण, कौन सी प्रक्रिया का क्या उदाहरण है ये आपको बताना है। ऊर्ध्वपतन मैंने पहले भी बताया साथियों, कपूर नेफ्थलीन होते हैं, ये जो है इनको जलाने पर बिना लिक्विड में बदले गैस में बदल जाते हैं, तो बर्फ से जलवाष्प, तो यही बात है साथियों, बर्फ है उसको हम लोग इतना तेजी से गर्म करें कि बिना जल में बदले वो जलवाष्प में बदल जाए, तो वही बात है, बिना लिक्विड में आए गैस में बदल गया, यही है। संघनन क्या होता है, अभी मैंने बताया संघनन का मतलब ओस होता है, जो ओस पड़ती है वो संघनन का उदाहरण है, कि जैसे कोई वाष्प हो गया यानी गैस हो गई, और गैस जो है वो लिक्विड में बदल जाए, यानी जलवाष्प जल की बूंदें बदल जाती हैं, तो ये हो गया आपका संघनन। वाष्पीकरण क्या होता है, तरल से यानी लिक्विड से जलवाष्प में हो जाना, जैसे हम लोग पानी गर्म कर दिए, पानी लिक्विड है, गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगी, ये है। और पिघलना तो आप लोग जानते हैं, बर्फ से तरल जल, इसका मतलब सब सिंपल सी बातें थी, हम जान गए। अब ए वाला हमारा 3 पर आएगा, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं होंगे, ये सब उत्तर नहीं होंगे, इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा, ए वाला 3 पर, बी वाला 1 पर, तो इसका मतलब उत्तर ए हो जाएगा, डी वाला 4 पर। आगे देख ले हम लोग साथियों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 वाला, इसमें क्या करा है, एक तरफ आपको कथन दे दिया है और दूसरी तरफ कारण दे दिया है, इसको पढ़कर हमें एकदम सही उत्तर देना है। देखें साथियों, यहाँ पर एक वायुमंडली ताप दे दिया है, एयर प्रेशर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कह रहा है अगर एयर प्रेशर में वृद्धि के साथ द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो यस साथियों ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही इन्होंने कहा, द्रव का क्वथनांक एयर प्रेशर जैसे बढ़ता है तो द्रव का क्वथनांक जो है वो जो है बढ़ जाता है, जैसे हम लोग वायुमंडलीय दाब में वृद्धि, तो जैसे हम लोग पहाड़ पर मान लीजिए है, ये ऐसा है, मैं ऐसे पहाड़ बना दे रहा हूं, आप यहाँ पहाड़ पर है तो आपका एयर प्रेशर कम है, आप यहाँ नीचे घाटी में चले आए तो एयर प्रेशर यहाँ बहुत ज्यादा लगेगा, तो यही बात है कि वायुमंडलीय दाब में वृद्धि के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्वथनांक बढ़ जाएगा तो खाना आपका जल्दी पक जाता है, इसलिए ऊंचाई पर खाना लेट पकता है, क्योंकि वहां क्वथनांक कम हो जाता है, एयर प्रेशर कम होने के कारण पानी आपका जल्दी से उबल जाएगा, और पानी में जो मटेरियल रहेगा उसे उतना टेम्परेचर ही नहीं मिल पाएगा कि वो पक पाए, इसलिए बहुत ज्यादा हमें ईंधन जलाना पड़ता है, ये बात सही है। और अधिक ऊंचाई पर जल 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबल जाता है, यही मैंने बताया ना, पता लगा यहाँ आपका पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, ऊंचाई पर आप गए वहां पर 80 डिग्री सेल्सियस में उबल गया पानी, अब पता लगा चावल को चाहिए ज्यादा टेम्परेचर,
अब चावल 80 डिग्री पर पानी उबल का आपका खत्म हो रहा है, चावल पकी नहीं रहा है, तो ज्यादा ईंधन लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल यही सही है। तो ए और वो आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही व्याख्या भी यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है, अच्छा व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये उल्टा कंटेंस दे दिया है। तो आपका बी सही होगा, क्योंकि दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा, तो 82 का आपका बी हो जाएगा। तो 83 में हम लोग देख लें। 83 में साथियों क्या पूछ रहे हैं हमसे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संघनन की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वही बात, संघनन की प्रक्रिया जहां आए आप लोग एक बात याद में रखना, ओस, ओस अगर याद रखेंगे, जो ओस पड़ता है ठंड के महीनों में, तो ओस क्या होता है कि जो जलवाष्प होते हैं वो जो है संघनन की जो प्रक्रिया होती है तो वो जल में बदल जाते हैं। जैसे पेड़ पौधों पर पत्तियों पर जलवाष्प होती है, एक खास मतलब माध्यम होता है, वो जलवाष्प जल में बदल जाते हैं। तो वो जलवाष्प गैस से द्रव में बदल जाना बी हो जाएगा उत्तर। अब यहां साथियों 84 में गजब का सवाल, जे जे थॉमसन, आप लोग जाने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे ये, इनके संदर्भ में, उनके कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसे बताना है। आप लोग जानते हो जे जे थॉमसन को 1906 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यस, लेकिन अभी हमें उत्तर नहीं मिला। उत्तर कह रहा है कौन सा गलत है, सही नहीं है, उसे बताना है। तो अभी जो गलत मिलेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो बी कह रहा है कि उन्होंने अपने कैथोड किरण के प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यस साथियों, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हें कैथोड प्रक्रिया के, कैथोड रेस के प्रयोग से माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज किया, और थॉमसन ने परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल विकसित किया था, ये भी सही है। तो यहां पर देख रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें सीधे तौर पर परमाणु नाभिक की खोज की थी। नहीं साथियों, परमाणु की जो खोज हुई थी वो इन्हीं के स्टूडेंट थे थॉमसन के, जो है रॉबर्ट, उन्होंने खोज किया था। तो ये डी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर जो उत्तर होना चाहिए, आपका कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो डी सही नहीं है, यही आपका उत्तर होगा, और बाकी सब अपने आप में सही है। आगे देख ले हम लोग 85 में रदरफोर्ड आ गए। रदरफोर्ड कौन है साथियों, आप लोग जानते हैं ये प्रोटॉन के खोज हैं, ये खोज किए थे। तो आगे देखें हम लोग रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है। तो आप लोग जानते हैं रदरफोर्ड जो है एक सोने की झिल्ली बनाकर, पन्नी बनाकर, एक पतली सी परत उस पर प्रयोग किए, और जो हीलियम के नाभिक के माध्यम से उसका स्रोत था उसे जो है वो खोज किए थे। विकल्प नंबर सी हो जाएगा, हीलियम नाभिक। तो रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था, तो हीलियम नाभिक था, सोने की झिल्ली प्रयोग किया था इन्होंने। कैंसर के उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है साथियों, कोबाल 16 का प्रयोग किया जाता है, गामा किरणें उत्सर्जित करती हैं, विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका, 86 का सी। आगे देख ले हम लोग 87 में, निम्नलिखित किस तत्व का, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मुख्य रूप से उसे रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करता है। साथियों आप लोग तत्वों का जानते होंगे, तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक के अनुसार आपकी पीरियाडिक टेबल में पूरे एलिमेंट रखे गए हैं, तो परमाणु क्रमांक ही वो ताप के तत्वों का गुण निर्धारित करता है, रासायनिक गुण। तो विकल्प नंबर यहाँ परमाणु क्रमांक हो जाएगा, इंग्लिश में इसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ये बी वाला है यहाँ। आगे देखें, केमिस्ट्री से सवाल था ये, यहाँ पर साथियों 88 में जो पूछ रहा है, एक तरफ वैज्ञानिक का नाम दे दिया है, दूसरी तरफ उनका योगदान दे दिया है। आप लोग जानते हैं ये रॉबर्ट हुक जो है ये कोशिका की खोज किए थे, ये तो आप लोग सब जानते हैं बहुत अच्छे से, ये कोशिका की खोज किए हैं ये। और यहाँ पुरकिंजे जो है साथियों, जे ई पुरकिंजे, ये जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किए हैं, तो विकल्प नंबर ये 3 पर चला आएगा, तो ए वाला 3 पर, बी वाला 1 पर, इसका मतलब आपका उत्तर ये ए होना चाहिए, और सी वाला 4 पर हमें उत्तर मिल गया। तो सी वाला आपका कहाँ आ जाएगा, ये 4 पर चला आएगा, रॉबर्ट ब्राउन कोशिका सिद्धांत, रोबोल्ट बिर्चो ये कोशिका के केंद्रक का वर्णन करता है। तो ये आपका जो उत्तर होगा यहाँ पर, ये आपका जो है हो जाना चाहिए ए वाला, ये तो आपका जो ये रुडोल्फ विर्चो है ये कोशिका इस पर चला आएगा, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, 88 का ए हो गया, बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग देखते हैं अब 89 में,
89वें साथियों में कह रहे हैं कि कौन सा एकमात्र कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जाते हैं, कोशिकाएं दो होते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, और जो यूकैरियोटिक होती है वो सिंपल होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये राइबोसोम में पाया जाता है। तो कह रहा है कि एकमात्र कोशिकांग किस कोशिकांग में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो राइबोसोम, इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों पाई जाती है, इसका मतलब इसी में पाया जाता है, तो बी हो गया। आगे देखें 90 में, कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली का जो मुख्य कार्य प्राथमिक कार्य होता है साथियों, वो होता है कोशिका की सामग्री को बाहर वातावरण से अलग रखना। झिल्ली का वही काम है, तो कोशिका में जो अन्य मटेरियल है बाहर वातावरण से अलग रखना, यही होता है सी आपका, यही हो जाएगा। प्रत्येक कोशिका के जो चारों ओर झिल्ली होती है वो आपको जो है बाहरी वातावरण से अलग करती है अंदर वाले मटेरियल को। 91 में, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, कौन सा या कौन से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक कोशिकांग के उदाहरण के रूप में उल्लेखित है। तो कौन सा उल्लेखित है साथियों, यह यूकैरियोटिक की बात कर दिया ना, अभी तक तो प्रोकैरियोटिक, तो अंतःप्रद्यवी जालिका गोल्जीकरण सूत्रकड़िया, यानी तीनों है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका, 91 का डी। इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म है, ये हो जाएगा जो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपोरेट्स, और ये माइक्रोकॉन्ड्रिया, यानी डी हो जाएगा उत्तर। आगे हम देखें हमारा 92 में, 92 का उत्तर क्या है साथियों, एक तरफ हमें दे दिया है कुछ मेला, दूसरा तरफ किस क्षेत्र में वो मेला लगते हैं बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो गुड़िया मेला है ये आप लोग जानते हैं, यह मथुरा में लगता है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। तो डी के पास एक होगा, यानी इन्हीं तीनों में से कोई उत्तर होगा। और ये सरधना मेला आप लोग जानते हैं, सरधना आप लोग जानते हैं ये मेरठ का क्षेत्र है, सरधना मेरठ में लगता है, यानी बी वाला तीन पर हो जाना चाहिए। तो बी वाला तीन पर हो जाना चाहिए, इसका मतलब बी तीन पर कहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब आपका उत्तर यही होगा, क्योंकि तीन सिर्फ बी ही में एक ही जगह है, बी वाले वाले, ये हो गया। और हमारा अब देख लें, अब हमें उत्तर तो मिल गया, अब बी वाला हमारा ए वाला कहाँ चलाएगा, दो पर। तो ए वाला हमारा ये कहाँ आ जाना चाहिए, ये कैलाश मेला तो हमारा आगरा में होना चाहिए, ये कैलाश मेला कहाँ है साथियों, यह आगरा में। तो ये हो जाएगा हमारा सी वाला चार पर। तो और हमारा बाकी एक जो बचा है ये उसी पर आ जाएगा, गोविंद साहब मेला आजमगढ़। तो यही है बी वाला उत्तर होगा। तो 93 में हम लोग देखते हैं, तो 93 में अगर देखें तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ शब्द हैं और उसका अर्थ क्या है बताकर हमें मिला देना है। तो साथियों एक यहाँ पर दिया है प्रधानी, प्रधानी एक रायसानी, एक करडिकम और कदमल, इन्हीं के बारे में हमें मिलाकर बताना है। तो प्रधानी साथियों प्रधानमंत्री से संबंधित था, आजकल तो प्रधानी गांव में एक प्रधान को कहा जाता है, तो प्रधानी क्या है, प्रधानमंत्री। और रायसानी साथियों, रायसानी जो है ये राज्य का जो एक तरह का मुख्य रूप, यानी एक मौखिक आदेश, लिखित नहीं मौखिक आदेश देने वाला जो था वो होता था, तो ये राजा का मौखिक आदेश का दर्ज करवाने वाला। करडिकम जो है साथियों, ये करडिकम क्या था, ये लेखाकार था, यानी लेखा पत्रिका वाला काम करता था। तो ये अब आपका एक बचा है ये डी, यानी सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, तो विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 94 में, भीमसेन जोशी के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कला क्षेत्र से संबंधित है, भीमसेन जोशी किस कला क्षेत्र से संबंधित है साथियों। तो ये भीमसेन जोशी साथियों यह जो है यहाँ पर दिया है कथक दे दिया है, ख्याल गायन, ठुमरी टप्पा, गायन शहनाई। तो साथियों ये जो है ये ख्याल गायन से संबंधित है भीमसेन जोशी, तो भीमसेन जोशी ख्याल गायन से संबंधित है, विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा। 95 में, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया ये हमसे बताना है 95 वाले में। तो साथियों ये पारित किया गया था 75 में, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, लोकायुक्त अधिनियम ये 1975 में यह पारित किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया था ये। आगे देखें हम लोग,
ये हमारा ये है कौन, उत्तर प्रदेश में वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान सूचना आयुक्त साथियों आप लोग जानते हैं विश्वकर्मा जी हैं, राजकुमार विश्वकर्मा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखें ये क्या है हमारे 97 में, 97 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया समर्थ ऐप किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश जो लॉन्च किया है समर्थ एप्लीकेशन ऐप, वो किससे संबंधित है, वो का काम है? तो साथियों विकलांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यूपी सरकार ने समर्थ ऐप किया है, तो आपका यहाँ डी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 98 में, तो साथियों 98 वाले में ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक तरफ हमें दे दिया है विश्वविद्यालय और दूसरी तरफ उसका स्थान कहाँ पर है। तो साथियों उसका विश्वविद्यालय और स्थान ये कहाँ है बताना है हमें अच्छे से। तो देखें यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है, ये साथियों हमें जो दिया है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाला ये जो है ये लखनऊ में है। जी सही बात है, ये लखनऊ में है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन ये जो है साथियों ये तो आप लोग जानते हैं रायबरेली में है, इसको तो बहुत ही फेमस है विमानन विश्वविद्यालय यहाँ पर है। तो यानी ए वाला 4 पर गया, बी वाला 1 पर गया, तो इसका मतलब आपका उत्तर सी हो जाएगा। हमें मिल गया उत्तर दो ही जानकारी से, और सी वाला 2 पर चला आएगा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से ही संबंधित है, दीनदयाल गोरखपुर। आगे देखें 99 में उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के संदर्भ में दो कथन है, दोनों कथन पढ़कर सही उत्तर देना है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2021 को मंजूरी दी गई थी, क्या ये बात सही है साथियों? 99 जो पूछ रहा है कब दी गई थी, तो साथियों यह जो है गलत बात कर रहा है। तो 22 जनवरी साथियों ये सॉरी करें 2022 में, 21 में नहीं, ये 2022 में सौर नीति आई थी, यूपी सौर नीति, यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी, तो 2022 में यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, 21 में नहीं है, तो ये गलत हो गया। इस नीति का लक्ष्य 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का लक्ष्य प्राप्त करना है। यस, तो ये दो वाला आपका सही है, 99 का आपका ये जो है उत्तर सी हो जाना चाहिए, ये वाला केवल 2। आगे देखें हम लोग 100 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों सांस्कृतिक कथनों पर विचार करें और उनकी स्थापना वर्ष के कालक्रम में व्यवस्थित करें, यानी साथियों में ऑर्डर में सेट करना है, सही ऑर्डर में हमें लगाना है कौन सा हमारा ऑर्डर सेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए मोटी मोटा कि पहले कब बना वो कब बना, तो इसलिए हमें ये चीज जो है अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो साथियों भारत कला भवन की अगर हम बात कर लें तो यह 1920 में हुआ था, तो साथियों स्थापना वर्ष इसकी कब हुआ था, 1920 में भारत कला भवन। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो थे साथियों इसकी स्थापना 64 में हुआ था, 1964 में। और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम साथियों, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 75 में, 1975 में, आप लोग जानते हैं भातखंडे संगीत संस्थान, यह 75 में सॉरी 66 में, ये तो ये 1966 में, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हमने देख लिया, अब हम जान सकते हैं सबसे पहली इसमें कौन सी घटना घटी होगी, 1920 64 75 66, तो भारत कला भवन वाला एक, यानी एक एक नंबर पर आना चाहिए, तो देख रहे हैं एक सबसे पहले यही है बी वाले में, तो यही उत्तर होगा हमारा, हमें मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ा क्योंकि तो पता लग गया यही सबसे पहले होना चाहिए, सबसे पहले एक यानी बी में है केवल, तो 100 का हमारा उत्तर बी हो जाएगा। तो 101 देख लें, वर्ष 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश संदर्भ में कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो बलरामपुर में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो कह रहे हैं बलरामपुर में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी बच्चों का लिंगानुपात सही है। यस, और अगर ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश का आपको लिंगानुपात पूछे तो 912 साथियों, ये 912 है, यानी 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 912 है, तो ये तो औसत लिंगानुपात हो गया। और बच्चों के बारे में बलरामपुर जिला है उत्तर प्रदेश को है, सोनभद्र में अनुसूचित जाति यानी ST की संख्या सबसे अधिक है, यस, महोबा में बाल लिंगानुपात सबसे कम है, यस, तो तीनों के तीनों सही हैं, आपका 101 का डी हो जाएगा। 102 में अगर देखें हम लोग,
एक तरफ आपको अनुसंधान संस्थान दे दिया है, दूसरी तरफ स्थान दिया है, तो बताना है हमें कौन सा सही है। तो चलो बताते हैं हम लोग। तो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान साथियों कानपुर में है ये, सीधी बात, ये कानपुर कहाँ है भाई, यहाँ है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, तो ये आ जाएगा 3 पर। तो यानी ए वाला हमारा 2 पर गया, बी वाला 3 पर आया, तो यानी हमें इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। अब ये तो ये उत्तर नहीं हो सकते, तो इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा हमारा। और यहाँ पर न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और बीरबल साहनी ये जो है ये पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान ये जो है झांसी में है। तो इस हिसाब से हमारा सी वाला, तो डी वाला 1 पर गया, तो उत्तर सी हो जाएगा, 102 का सी। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग। साथियों गला थोड़ा सा सूख गया है, 1 मिनट 1 सेकंड। अब देखते हैं हम लोग 103। 103 में साथियों हमसे क्या पूछ रहे हैं, 103 में जो हमसे बात पूछी जा रही है, भारत में लौह अयस्क खनन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो लौह अयस्क खनन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो बैलाडीला खदान भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत लौह अयस्क खनन है। तो लौह अयस्क खनन के बारे में जो भी हमें सही जानकारी मिले उसे पढ़कर हमें सही उत्तर दे देना है, यही हमें करना है। तो चले हम लोग। तो बैलाडीला खदान भारत की सबसे बड़ी मशीन कृत लौह अयस्क है, यस विकल्प ये सही है। बैलाडीला से लौह अयस्क मुख्य रूप से चीन को निर्यात किया जाता है। तो साथियों ये बात जो है गलत हो गई हमारी, चीन को निर्यात नहीं किया जाता है, जो जानते हैं यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी वाला पाया जाता है। तो विशाखापत्तनम से जापान को निर्यात किया जाता है, चीन को नहीं, विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वहां से ये जापान को, जाप लिख दिया है मैंने, तो ये गलत हो गया, यानी 2 गलत हो गया, तो 2 विकल्प नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब उत्तर हमारा सी होगा, बिना पढ़े हम जान गए, इसका मतलब ये भी वाला सही है। आगे देखें 104 देखते हैं। 104 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 104 में हमसे कह रहे हैं कि सरयू नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो जो सही है उसे हमें बताना है। यह एक तो है ये क्लियर है, माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है सरयू नदी, ये बात सही है। और सरयू नदी का एक भाग हम लोग छपरा, छपरा नदी होती है, ये सरयू का ही भाग है, तो यह छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है, ये भी बात सही है। कह रहा है अयोध्या इसके बाएं तट पर स्थित है, तो साथियों यहाँ पर जो बात लिखी है अयोध्या इसके बाएं तट पर स्थित है, तो इसके दाहिने तट पर स्थित है, बाएं नहीं, राइट, दाहिने तट पर, तो ये गलत हो गया, यानी उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग 105 देखते हैं। 105 में वन्य जीव अभयारण्य एक तरफ है, दिया है अभयारण्य का नाम, तो कौन सा जीव वन्य जीव अभयारण्य किससे संबंधित है ये बताना है। तो चले हम लोग देखते हैं ये साथियों, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है साथियों, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है, तो ये आ जाएगा इस पर। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य साथियों यह पटना वन्यजीव अभयारण्य है, ये इस पर आ जाएगा। सबसे बड़ा पंछी अभयारण्य, ये पंछी की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ा पंछी अभयारण्य साथियों यह लाख बहोशी पंछी अभयारण्य, तो ये चला आएगा इस पर। और इसका बेचारे का तो रास्ता ये है, सबसे छोटा पंछी वन्यजीव अभयारण्य शेखा पंछी अभयारण्य, तो ए 2 पर, बी 3 पर, ए 2 बी 3 सी 4 और डी 1 सी वाला उत्तर हो जाएगा आपका। आगे हम लोग देखें अगर 106 में, तो सुगौली की संधि के संदर्भ में दिया है हमें कथन दे दिया है, और सुगौली के संधि संधि के संदर्भ में 2 कथन दिया है। तो जानते हैं 1814 में जब ये अंग्रेजों और नेपाल के युद्ध जो प्रारंभ हुआ था उसके मध्य ये सुगौली संधि हुई थी, यानी आंग्ल और नेपाल युद्ध के समय, तो नेपाल ने सुगौली की संधि द्वारा सिक्किम पर अपना दावा छोड़ दिया था। तो साथियों यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही उत्तर चुनना है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू ब्रिटिश रेजिमेंट रखने का प्रस्ताव नेपाल द्वारा स्वीकार कर लिया गया, यस, तो सुगौली संधि यही हुई भारत तो एक तरह से ब्रिटिश और नेपाल के बीच, यही सही है, 6 का ए हो जाएगा। आगे देखें हम लोग
यहाँ क्या है, एक तरफ हमें आंदोलन और विद्रोह दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके नेतृत्वकर्ता कौन है। तो चले हम लोग बताते हैं कौन सा है। यहाँ पर साथियों जो कोल विद्रोह है, बुद्धो भगत इसके नेतृत्व कर रहे थे। तो कोल विद्रोह 30-31 का, 1830-31 के आसपास ये हुआ था। तो ये बुद्धो भगत इसका नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पर साथियों खासी जो विद्रोह हुआ था, खासी विद्रोह तीरथ सिंह से संबंधित थे। इसका मतलब ए वाला 3 पर गया, दो वाला 1 पर गया। ए वाला 3 पर, दो वाला 1 पर, इसका मतलब उत्तर बी हो जाना चाहिए इसका। सॉरी, बी कैसे, ए वाला 3 पर गया और बी वाला 1 पर, तो दोनों में है ये ना, तब कहां से, इसका मतलब ये और ये तो नहीं हो सकते। और खोंड विद्रोह होता है, खोंड विद्रोह साथियों यहाँ किसका हो सकता है, खोंड विद्रोह साथियों यह चक्र बिसोई से संबंधित होना चाहिए। यस, ये चक्र बिसोई संबंधित है, यानी सी वाला 4 पे होना चाहिए। तो सी वाला 4 पे, इसका मतलब ए उत्तर होगा और डी वाला तो 2 पर चला जाएगा। आगे देखें हम लोग 8 में, 8वां में साथियों जो पूछा जा रहा है, मुंडा विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो साथियों जानते हैं मुंडा विद्रोह, मुंडा आदिवासियों ने ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली के कारण विद्रोह किया था। यानी जो मुंडा आदिवासी थे वो ब्रिटिश भूराजस्व, अंग्रेज जो है अपना टैक्स एक तरह का भूराजस्व रेवेन्यू बढ़ा दिए थे, उसके संदर्भ में यह विद्रोह हुआ था। तो ये बात सही है। अब हम लोग देखते हैं ये वाले दूसरा हम क्या कह रहा है, विद्रोह 1905 में छोटा नागपुर के काश्तकारी कानून पारित किया गया जिसमें सामूहिक खेती मान्यता दी गई। तो साथियों ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इसमें नहीं साथियों, ये जो हुआ था साथियों बिरसा मुंडो जो है इनको तो जैसे 1800 के 18वीं शताब्दी में हुआ था, 1900 में नहीं हुआ था। इसका मतलब इसी से लग रहा है ये गलत है। और 18वीं शताब्दी मतलब ये 1800 के आसपास, 1800 के बाद हुआ था, यानी 1900 के पहले वाली ये घटना है। तो यहाँ पर जो होना चाहिए साथियों यह तो यहाँ नहीं होगा, ये 1800 कुछ के आसपास ये हुआ था ये मुंडा विद्रोह। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैंने यहाँ बता दिया, तो यही होना चाहिए, वो 1900 में तो नहीं था, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पर उत्तर जो है आपका ए होगा। आप लोग एक बार देख लीजिए मुंडा विद्रोह जो है, ये मुंडा विद्रोह के बाद 1905 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित किया गया। तो यहाँ पर साथियों कुछ फॉल्ट लग रहा है हमें दूसरा वाले में। तो 1908 में, यस साथियों 1908 में ये काम किया गया था, 1908 में छोटा नागपुर को एक कानून पारित किया गया था, सामूहिक खेती की एक तरह से मान्यता दी गई। यस, इसीलिए गलत हो गया, मैंने पहले बताया ना, तो इसमें किया जा रहा है। तो बी वाला केवल सही है, ए वाला सही है, यानी उत्तर केवल बी होगा। 109 में अगर हम लोग देखें, कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है साथियों, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये कोशिश होती है भरपूर कि आपको गलत सूचनाएं न दें। तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह में नाई धोबी बंद जैसे सामाजिक बहिष्कार कार्यक्रम चलाए गए। नाई धोबी धोबी बंद एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन था, ये किस आंदोलन से संबंधित था ये, तो इससे संबंधित साथियों आपको बताना है। तो एक मिनट, एक किस कार्यक्रम में चला गया, तो यहाँ आपको दिया है खेड़ा, एक मिनट यार फोन आ रहा है। तो यहाँ पर जो दिया है 109 वाले में कह रहा है निम्नलिखित किस आंदोलन के विद्रोह में नाई धोबी बंद जैसे सामाजिक बहिष्कार कार्यक्रम चलाए गए। तो खेड़ा, मोपला, संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन, तो कौन सा होगा, होना चाहिए साथियों यहाँ पर, तो ये जो होना चाहिए वो संयुक्त प्रांत का किसान, यानी उत्तर प्रदेश का ये पुराना नाम है संयुक्त प्रांत, तो उसके किसान आंदोलन ये किए थे। तो विकल्प नंबर आपका ये जो है 1919-22 के आसपास ये हुआ था। तो सी हो जाएगा आपका उत्तर। 10वें का, अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, उसी सत्य को पकड़ना है। तो साथियों इसकी सभा कह रहे हैं 1936 में हुई थी। तो 1936 में साथियों, तो अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी हमसे सत्य पूछा है।
तो इसकी सभा तो 1936 में हुई थी, लखनऊ में हुई थी, तो ये तो सही होना चाहिए साथियों। इस सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, तो अध्यक्ष थे, एनजी रंगा इसका सचिव थे, मान लीजिए तो ये भी बात सही है हमारा। 1937 में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर साथियों हमें पूछना चाहिए था कौन सा सत्य नहीं है, इस टाइप से होना चाहिए था प्रश्न। तो इसका मतलब यह 37 में नहीं साथियों, यह 36 में ही हुआ था, तो यह होना चाहिए, यही गलत है। और इस सभा के सचिव एनजीओ रंगा थे, यस। अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में ये तीनों बातें सही हैं, ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, और यह सी सही है। तो यहाँ ये डी गलत है, यानी इसका पूछना चाहिए था कौन सा सत्य नहीं है, तो सी वाला सत्य नहीं है, यह 37 जगह 36 में हुआ था फैजपुर में। आगे देखें हम लोग, ये हमारा 11 में क्या है, तो एक तरफ पुस्तक दिया है, एक तरफ लेखक का नाम है, तो कौन सी पुस्तक किस लेखक से संबंधित है उसे बता देना है हमें। तो चले हम लोग, चले बताएं हम लोग, तो 1857 जो लिखा गया है साथियों, 1857 ये SN सेन ने लिखा है, तो ये चला आएगा इस पर आपके तीन वाले पे, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूजिशियन, जो 1800वीं शताब्दी से संबंधित है, जो 1857 विद्रोह हुआ था उस पर कई किताबें लिखी गई हैं, उसी से संबंधित है ये। तो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ये साथियों किसने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ द ये जो है इंडियन म्यूटिनी, तो भारतीय विद्रोह का इतिहास इसका हिंदी मतलब होता है, तो होम्स ने लिखा है, T.R. होम्स। और द ग्रेट रिबेलियन, तो ग्रेट रिबेलियन किसने लिखा है साथियों, तो ये जिसे होता है इंग्लिश में महान विद्रोह, तो महान विद्रोह किसने लिखा है, अशोक मेहता ने लिखा है। और सिपाही म्यूटनी एंड रिबेलियन ये होना चाहिए मजूमदार, तो इसका उत्तर जो होना चाहिए साथियों यह बी होना चाहिए, A 3 पर, B 4 पर, यही होगा। 12 में एक तरफ हमें साथियों विद्रोह दे दिया है, विद्रोह का केंद्र, और दूसरा दमनकर्ता, कहाँ का विद्रोह को किसने दबाया था ये हमें बताना है, वही 1857 वाले विद्रोह से। तो आप लोग जानते हैं झांसी को किसने दबाया था साथियों, यह झांसी को जो दबाया था ह्यूरोज ने दबाया था, तो ये आपका ये हो जाएगा, झांसी वाला जो विद्रोह दबाया था वो ह्यूरोज ने दबाया था साथियों, ये तो सही है। लखनऊ का विद्रोह और प्रयागराज का विद्रोह ये कैम्पबेल ने दबाया था, ये कैम्पबेल ने दबाया था। और बिहार का विद्रोह साथियों, बिहार के आरा में जो हुआ था, यह कुंवर सिंह के नेतृत्व में, यह विलियम टेलर जो है इसको दबाया था। इलाहाबाद का भी मैंने अभी बताया, कैम्पबेल भी था एक समय तो, और ये जनरल रेनार्ड भी यहाँ दे दिया, तो जनरल रेनार्ड होना चाहिए, तो आपका उत्तर बी हो जाना चाहिए, ए वाला, क्योंकि साथियों कुछ समय के लिए यह कैंपबेल ने भी दबाया था, यह कुछ किताबों में लिखा है, फिलहाल ये दे दिया है, यही है। आगे देखें हम लोग, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जानना है कि डेनिश इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की कब हुई, तो जानते हैं ब्रिटिश इंडिया की जो सबसे महत्वपूर्ण है वह 1600 में हुआ था, 1600 ईस्वी में, और फ्रेंच की यहाँ बात कर लिया तो उसके 64 साल बाद 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1600 में तो कहाँ हुई थी, ये ब्रिटिश की हुई थी, और ये इस फ्रेंच की तो 64 में ही हुआ था, और ये डच का, तो ये डच का 1602 में हुआ था, 1599 में, ये जानते हैं 1599 में तो किसी का नहीं हुआ था, इसके बाद शायद वो हुआ था, ये नहीं हुआ, ये गलत है। फिलहाल उत्तर आपका सी सही है, और 1600 में ब्रिटिश, 1602 में डच। आगे देखें, एक तरफ हमें दे दिया है कथन, दूसरी तरफ कारण, पढ़कर सही उत्तर देना। सहायक संधि का प्रयोग करके भारत में नेपोलियन का भय समाप्त किया गया, तो साथियों ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सहायक संधि का प्रयोग करिए, हाँ सहायता कर लो, नहीं तो नेपोलियन आएगा सब कुछ खत्म कर देगा, तो वेलेजली के नेतृत्व में सहायक संधि हुई थी,
सहायक संधि के माध्यम से भारतीय राजाओं को विदेशी संबंध के नियंत्रण में आ गए, यानी वो अपने आप को गिरवी रख दिए कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे अपनी पुलिस से, तुम हमारी सुरक्षा ले लो, और जो है यही काम किए थे, सुरक्षा ले लिए तो फंस गए। तो इसका मतलब ये सी सही होगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। 15 में देख ले हम, तो 15 में साथियों हमें दिया है कालक्रम में हमें सजाना है। एक तरफ डलहौजी ने जो हड़प नीति के तहत राज्यों का विलय किया, तो सबसे पहले कौन किया, फिर कौन किया, फिर कौन किया, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं साथियों ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये। तो जो डलहौजी ने विलय नीति के जो एक तरह से हड़प नीति के किया, तो यहाँ बघाट का साथियों, यहाँ बघाट नहीं दिया, उदयपुर कब किया था, 1852 में, 1852 में उदयपुर। और साथियों ये जो सतारा सबसे पहले किया था 48 में, 1848 में तो सतारा को किया था, तो सतारा यहाँ नहीं है, सबसे पहले इसे किया गया था सतारा कर, और 1852 में उदयपुर में। और झांसी का जो किया था साथियों वो 53 में शायद किया था, हाँ 53 में, 1853 में तो झांसी का। और नागपुर में जो किया था साथियों वो 54 में, 1854 में। और जैतपुर का साथियों, जैतपुर और संभलपुर दोनों हुआ था साथ ही में, ये 49 में, यहाँ मैं 1849 की जगह 49 लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन देखने को मिल रहा है, तो सतारा तो नहीं है 48 वाला, 49 वाले पे चलते हैं, यानी जैतपुर यानी दूसरा पहले नंबर पर होना चाहिए, तो एक तो या तो उत्तर वो होगा या तो ये होगा। और सबसे अंत में कौन है, सबसे अंत में साथियों यही है नागपुर वाला 54, तो यानी चार सबसे अंत में होना चाहिए, तो चार सबसे अंत में कहाँ है, यहाँ बी वाले में, तो यानी उत्तर आपका बी होगा, हमने आसानी से उत्तर निकाल लिया। तो साथियों हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 115 तक देख लिए हैं, अब वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए इसको यहाँ रोक दे रहे हैं, रोक कर हम लोग आगे इसको जो है पूरा कर देंगे अगली टेस्ट सीरीज में। तो चलते हम लोग, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। साथियों गला थोड़ा खराश है, तबीयत में थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो बोलने में परेशानी हो इसलिए आपका छूटे ना, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो को, एक टेस्ट सीरीज को दो पार्ट में करवा दें कम से कम, जिससे आपकी जो है छूटे ना, और देखने भी आसानी रहे, हमको बनाने भी आसानी रहे। तो साथियों चलते हम लोग मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, इसके बाकी क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।